हाय गाइस, वापस आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं माइक्रोफोन साउंड टेस्ट बोस फ्रेम्स टेम्पो का। तो इसे हम अलग अलग सिनेरियोस में यूज करके देखेंगे कि इसके माइक्रोफोन की साउंड क्वालिटी कैसी है। तो चलिए पहले टेस्ट शुरू करते हैं, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। ये है जो जब हम चला रहे होंगे ओपन फेस हेलमेट, अब इस सिनेरियो पे भी हम हरी इलाके से ओपन अभी बिना हेलमेट वाले सिनेरियो से थोड़ा बहुत अच्छा। तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप बाइक चला रहे होंगे हेलमेट पहन के और हेलमेट क्लोज्ड है। तो इस सिनेरियो में ज्यादा हवा नहीं आएगा हेलमेट के अंदर, सो आपके ग्लासेस पे हवा नहीं आना चाहिए। तो होपफुली मेरी आवाज क्लियर है। तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप बहुत सारे पानी के आसपास हैं। तो यहाँ 70 वाटर फाउंटेन है, मैं सीन्स मॉल के बाहर खड़ा हूँ, तो यहाँ बहुत सारा पानी का आवाज है। होपफुली आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है और पानी की आवाज ज्यादा ओवरपावरिंग नहीं है। तो अभी हम फिनिक्स मॉल के बाहर जो लाल बत्ती है वहां पे खड़े हैं। तो यहाँ बहुत सारा ट्रैफिक है, तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारा हॉकिंग साउंड है, बहुत सारे गाड़ियों का साउंड है। होपफुली आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है और बैकग्राउंड साउंड ज्यादा ओवरपावरिंग नहीं है। तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप फूड मॉल में होंगे, बहुत सारे लोगों के आसपास होंगे। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की आवाज है, बहुत सारे मशीन, बहुत सारे गाना वगैरह बज रहा है। तो होपफुली आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है। ओके, तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया, तो बेसिकली आप इसको किसी भी सिनेरियो में यूज करें, इसकी आवाज बहुत क्लियर है। तो क्योंकि इसका माइक यहाँ है और यहाँ से आपकी आवाज पकड़ रहा है, तो अगर मैं ट्रैफिक में हूँ या कहीं भी हूँ, अभी फिलहाल मैं ट्रैफिक में हूँ, बहुत सारा ट्रैफिक का साउंड है इस तरफ। मैं थोड़े छोटे से एक बाइक राइड के लिए निकला था, थोड़ा बारिश वगैरह थी तो चाय पीने के लिए रुका हूँ। तो यहाँ शोर शराबा बहुत है पर आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई देगी। अब इसको जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ है हवा से, तो अगर हवा इसको लगेगी तो आपकी आवाज तो टोटली खत्म हो जाएगी। आपको आप जो आप फोन पे होंगे दूसरे बंदे को कुछ भी नहीं सुनाई देगा, तो वो चीज आपको याद रखना है। पर अगर आप म्यूजिक वगैरह के लिए यूज कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। अब क्योंकि ये कान को बंद नहीं कर रहा तो बेस का इफेक्ट इसमें ज्यादा आता नहीं है, पर ये बोस का सबसे अच्छा स्मार्ट ग्लास है। स्मार्ट ग्लास एक्चुअली साउंड वाला ग्लास है, आप जो भी इसको बोलना चाहें, तो बोस फ्रेम्स बोलते हैं इसको। तो ये उनके तीन वर्जन इंडिया में आए हैं, उनमें से सबसे अच्छा वाला है और ये स्पोर्ट्स के लिए बनाया गया है और ये IPX4 वाटरप्रूफ है। तो इसको मैं बारिश वगैरह में लेके घूम सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जब तक कि बहुत ही ज्यादा हैवी बारिश ना हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और स्वेट वगैरह से प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेनली बनाया गया है एक्टिव लाइफ के लिए, अगर आप जॉगिंग साइकिलिंग वगैरह उन सब चीजों के लिए यूज करना चाहें उसके लिए ठीक है। पर अगर आप इसको हेलमेट के अंदर डालते हैं तो अगर आप इंडियन हेलमेट यूज करते हैं जैसे वेगा और स्टड्स और ये सब बाकी सारे हेलमेट स्टील बर्ड वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ उसके एक्चुअली एक बड़ा सा स्पंज होता है जो आपके कान को कवर करता है। पर अगर आप LS2 या SMK या वैसे टाइप के हेलमेट यूज करते हैं तो वहां यहाँ इतना बड़ा स्पंज नहीं होता, यहाँ तक उसका प्रोटेक्शन होता है। तो वो जो उसका थर्मोकॉल है, हार्ट थर्मोकॉल, वो पुश कर रहा होता है, तो वो एक प्रॉब्लम है, वो चीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग आ गए, तो अगर आप टूरिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, तो मैं इसको टूरिंग के लिए यूज करना चाहता था पर मैंने इसको LS2 के अंदर यूज करने की कोशिश किया। तो ये जो फ्रेम है ये बहुत ही थिक है, तो वो बहुत ही ज्यादा दबाता है और आपके ये टेम्पल वाले एरिया में बहुत दर्द होगा, तो आप इसको वैसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि ये टूरिंग के लिए नहीं बनाया गया है,
ये बाइकिंग के लिए नहीं बनाया गया है, पर आप बाइकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम बाइकिंग में, अगर आप इसको पहन के मास्क पहनते हैं तो ये बहुत ज्यादा फॉग अप हो जाता है, तो वो चीज आपको याद रखना पड़ेगा, फॉगिंग इसका बहुत बड़ा इश्यू है। और ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा सा मास्क हटा दूं और इमीडिएटली फॉग चले जाएगा, फॉग निकलने में भी बहुत टाइम लगता है, तो कई बार हुआ है जो मुझे निकाल के मुझे पोंछना पड़ा है। तो ये मेनली वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, उन सब चीजों के लिए जहां पे आप मास्क नहीं पहन रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर आप इसको गाने सुनने के लिए यूज करना चाहते हैं हेलमेट के अंदर, तो ये बहुत ही अच्छा है। हेलमेट के अंदर जैसे ही आप इसको डालेंगे, तो हेलमेट ही एक बेस चेंबर जैसा काम करता है, और इसमें आपको बहुत बेस भी मिलेगा, आवाज भी बहुत बढ़ जाती है, और इसकी साउंड क्वालिटी और भी अच्छी हो जाती है। तो मुझे इसकी इसका साउंड हेलमेट के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है, पर हेलमेट के अंदर मैं उस समय मास्क नहीं पहनता, तो बस ये चीज आपको याद रखना है। अब बस इतना ही, बाकी तो आप देख ही चुके हैं, रियल लाइफ रिव्यू था, वीडियो तो आप देख ही चुके हैं। अगर आपको कोई और डाउट हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको सेम वीडियो इंग्लिश और मलयालम में देखना हो तो मेरे पास दो और चैनल है, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।